दोस्तों, मेरा नाम है आकिब गुल और आप देख रहे हैं पीके इंटर चैनल। तो आज एक नई जबरदस्त वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। तो आज दोबारा हम शिकार के लिए निकले हैं। आज जिस एरिया में जा रहे हैं, इधर डव्स और तीतर दोनों मिल जाते हैं और एरिया भी नया और अच्छा एरिया है। दोबारा से P-35 हमारे साथ है, ऊपर जो स्कोप वगैरह सब कुछ लगा है वो ऑलरेडी मैं जो है ना वीडियो में मेंशन कर चुका हूँ। तो मौसम आज बहुत ही प्यारा है और सुबह का टाइम है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि शिकार भी अच्छा मिलेगा। तो चलते हैं शिकार की तरफ, देखते हैं क्या मिलता है। और ज़्यादातर आज जो है ना स्कोप गेम की फुटेज जो है मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि बाइक पर होते हैं तो ज़्यादा मौका नहीं मिलता जो है ना वीडियो बनाने का, दोनों अपनी भी और जो है ना स्कोप गेम की तो बन जाती हैं, तो इसीलिए स्कोप गेम की ज़्यादा फुटेज आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलते हैं शिकार की तरफ और देखते हैं आज हमें क्या मिलता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छा शिकार मिला है हमें।
तो सुबह का टाइम था और बारिश वाला मौसम है, तो शिकार करने का काफ़ी मज़ा आया है। पांच जो डव लगी हैं, दो काले तीतर लगे हैं आपके सामने। शायद बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा साइज़ है और P35 की परफॉर्मेंस आपके सामने ही है, काफ़ी अच्छी जो है इसके अपने परफॉर्मेंस दी है। टोटली जो है तीन या चार शॉट्स जो हमारी मिस हुई हैं, क्योंकि वो जो फील्ड पर होता ही है कुछ जो डव्स वगैरह चल रही होती हैं तो उनको मारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है चलते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस देखी जाए शिकार अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मिल गया है। हम जो है अपने बैग लिमिट में रह के शिकार करते हैं। कुछ दोस्त कहते हैं आप ज़्यादा हंट नहीं करते, तो उसकी वजह भी यही है। मैं 10 से ज़्यादा कभी भी जो डव्स हंट नहीं करता, और तीतर जो है तकरीबन 6 से ज़्यादा हंट नहीं करता। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और अभी के लिए दे मुझे इजाज़त, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।